फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज द कोजी कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो कोजी यानी पार्टली आंशिक, नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस ड्यू टू नेचर जस्टिस ड्यू टू गुड कॉन्शियस ड्यू टू इक्वालिटी इट कैन बी इनफोर्स्ड। जैसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आप इंश्योरेंस कंपनी को याद रखते हो, वैसे कोजी कॉन्ट्रैक्ट में आपको, कोजी कॉन्ट्रैक्ट में आपको फाइंडर ऑफ द गुड्स याद रखना है। एक ही चीज आज भूल गए हैं, बी के बी को मिली है तो बी एज ए बेली संभाल के रखेगा, उस चीज की टेक के लेगा और दूसरे दिन वापस दे देगा। इट इज नथिंग ड्यू टू कोजी कॉन्ट्रैक्ट। इन कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूंटरी ऑब्लिगेशन, स्वैच्छिक, वो चीज पड़ी थी मैं लेना नहीं चाहिए था ना, वो चीज पड़ी थी मैंने लिया है। सिमिलर ऑब्लिगेशन इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट, मैंने वॉलंटरी ऑब्लिगेशन उठाई हुई है। वॉलंटरी जवाबदारी, स्वैच्छिक जवाबदारी जो मैंने उठाई है वो लॉ ने डाली हुई है, इम्पोज अंडर द लॉ। इन कॉन्ट्रैक्ट वॉलंटरी ऑब्लिगेशन सिमिलर ऑब्लिगेशन इम्पोज अंडर द लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स, दूसरे के बेनिफिट के लिए वो आपने ऑब्लिगेशन डाली है। बाकी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस नो एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, तब भी आपको ड्यूटी परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन इक्विटी यानी समानता जस्टिस न्याय गुड कॉन्शियस सद्भावना, उसकी वजह से आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। रिपीट, व्हाट इज द कोजी कॉन्ट्रैक्ट? इट्स अ वॉलंटरी ऑब्लिगेशन इम्पोज अंडर द लॉ, ऑब्लिगेशन सिमिलर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड बेनिफिट इज एंजॉयड। No offer, no acceptance for agreement. Based on equity, justice and good conscience. किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए ऐसा लॉ ने बोला है, उसकी वजह से ही आपको अन्याय न होना, उसकी वजह से ही आपको इन्फोर्स करना पड़ता है। सिंपल चीज है, दूसरे को नुकसान पहुंचा के हम फायदा नहीं ले सकते। No man can get the benefit with the loss to others. दूसरे को नुकसान पहुंचा के फायदा नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमें जो फायदा मिला है वो वापस कर देना है। हमको कोजी कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिफरेंट फाइव एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सबसे पहले नेसेसरी सप्लाई टू द माइनर और अनसाउंड माइंड, नेसेसरी यानी फूड है, क्लॉथ है, एजुकेशन है, मेडिकल है, वो सब आपने सप्लाई किया है तो नेसेसरी जो सप्लाई किया है आपने उसके लिए, नेसेसरी सप्लाई किया है उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी लायबल है, आप पर्सनली लायबल नहीं है। लेकिन किसको नेसेसरी बोलते हैं? वो तो डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ सिचुएशन ऑफ द माइनर और अनसाउंड माइंड से माना जाएगा क्या चीज नेसेसरी में आएगा और क्या चीज नेसेसरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट, रिकवर द मनी पेड फॉर द अनदर पर्सन। बी ने ए के पास से मनी लिया और ए को बोला मैं सी को पे कर दूंगा, और सी को बोला ओए तेरे भी आप मेरे पास मनी आ गए कल मुझे मैं तुझे पे कर दूंगा, लाइक एक्नोलेजमेंट ऑफ द डेब्ट, थर्ड पार्टी कैन स्यू में जो एक्सेप्शन था वही पॉइंट है। और दूसरी चीज यहाँ पे ऑन इंटरेस्ट एड किया है, कोई बंदा एज ए टेनेंट किराएदार अपने दूसरे के मकान में रहता है तो मकान मालिक ओनर है, उसने टैक्सेस पे नहीं किए हैं, गवर्नमेंट आके आपका मकान सील करने वाली है, तो आप टेनेंट है, आपका बेनिफिट है, आप उस मकान का टैक्स भर दोगे और अपने किराए में से वो टैक्स काट के ओनर को पे कर पाओगे। टू प्रोटेक्ट ओन इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट संभालने के लिए पेड ए सम ऑफ मनी, आप सम ऑफ मनी पे कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, दूसरे के बिहाफ सम ऑफ मनी पे कर रहे हो, कैन बी रिकवर्ड। टेनेंट है वो मकान मालिक के बिहाफ पेमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट ड्यूज पेड बाय द टेनेंट
can be deducted from the rent and person enjoying benefits of non-gratuitous act. तो वो non-gratuitous act की वजह से आपको मनी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्वैच्छिक नहीं था, आपकी इच्छा ऐसी नहीं थी कि आप स्वैच्छिक नहीं था, उसकी वजह से पेमेंट करना पड़ेगा। सामने वाले ने जो परफॉर्म किया है, ग्लास साफ किया है, शूज साफ किए हुए हैं, कि अगर कोई भी एक्ट किया है, लेकिन उसकी वजह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेटिट्यूस एक्ट नहीं है, ग्रेटिट्यूस एक्ट नहीं है। नेक्स्ट, लॉफुली डज और डिलीवर्स एनीथिंग टू अदर्स। आपने लॉफुली किया है, अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट, सूस पुलिस लॉफुल था, मैंने बेनिफिट एंजॉय किया है। डिस्ट्रॉय द थिंग्स और डन और डिलीवर्ड, तो हमें जो चीज मिली है वो वापस करनी पड़ेगी। समझो, बाय मिस्टेक ए ने बी को गुड्स देने की जगह पे सी को गुड्स दे दिया, बी की जगह सी को गुड्स दे दिया है फ्रेंड्स, तो सी क्या करेगा, बेनिफिट एंजॉय किया है तो मनी देना पड़ेगा, बेनिफिट एंजॉय नहीं किया है तो रिस्टोर द गुड्स, गुड्स वापिस देना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल टेनेंट का था, टेनेंट जिस मकान में रह रहा था उसका ओन बेनिफिट के लिए, उसके ओनर ने टैक्सेस नहीं भरा था, मकान सील होने वाला था और टेनेंट ने वो रेंट पे कर दिया है, वो ओनर से रिकवर किया है। इट्स ए व्हाट, बेनिफिट मिला है तो आप रेंट में से डिडक्ट करके ही रेंट पे करोगे। बी की जगह सी के गोडाउन में गुड्स रख दिया है तो सी ने गुड्स यूज किया है तो मनी देगा, वरना गुड्स वापिस देगा। तो कोजी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट हमने पॉइंट देखा था, नेसेसिटी सप्लाई टू द माइनर। सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं, रिकवर मनी फॉर द अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के लिए हम मनी रिकवर किया है तो हम उसका क्लेम करेंगे। फाइंडर ऑफ द गुड्स, किसी चीज गुम हो गई है, मुझे मिली है, मैं ऐसे बेली संभालूंगा और सही पर्सन ढूंढूंगा, उसको वापिस दे दूंगा। ठीक है, जब ढूंढने का एक्सपेंस हुआ है, फेस करने का एक्सपेंस हुआ है, वो मैं उससे ले पाऊंगा, लेकिन गुड्स की वैल्यू से एक्सपेंस बढ़ना नहीं चाहिए। क्यों, वो एक्सपेंस बना बोलेगा ना तो मैं गुड्स रख सकता हूं, एक्सपेंस का सीयू नहीं कर सकता। इसलिए फाइंडर ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू द अदर्स टेक्स इट इन हिज कस्टडी, वो दूसरे के बिलोंग करता है तो कस्टडी में लिया हुआ है। ए का गुड्स गुम हुआ था, बिलोंग्स टू ए था, बी की कस्टडी में आया है तो रिस्पॉन्सिबल लाइक बेली, बेली की तरह वो गुड्स संभालना है। अगेन, एक दुकानदार था, वहां पे एक ग्राहक आया, वो कोट भूल गया और टाई का ब्रॉच, जो ब्रॉच था ना वो भी वहां पे पड़ा था, दुकानदार में लेके ड्रॉवर में रख दिया। मंडे को वो आया हुआ बंदा और मंडे को बोला, ए मैं यहाँ ब्रॉच भूल गया था, कैमरे में देख ले, मुझे वापिस दे। दुकानदार से सोचेगा, हाँ मैंने देखा था, ड्रॉवर में रखा था, लेकिन अभी है नहीं। दुकानदार को कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, वो चीज उसको संभालने की थी, नहीं संभाली है तो क्लेम डैमेजेस कर सकता है और दुकानदार को पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, तीन चीज हमने देखी, फर्स्ट नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर अनसाउंड, सेकंड रिकवर मनी पेड फॉर अनदर, फाइंडर ऑफ द गुड्स, एंड लास्ट टू दैट इज द मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोशोइन। कुछ कोशोइन की वजह से, मिस्टेक की वजह से ए ने बी को पेमेंट कर दिया तो बी ए को वापिस करेगा, पर्सन रिसीविंग रिपे और रिटर्न इट। ए और बी दोनों साथ में मिलकर सी को पेमेंट करते थे, लेकिन आज एक ए ने पूरा पेमेंट कर दिया है तो बी से उसका से मांग पाएगा। ए बी को 100 रुपीज सी को देना था, ए ने 100 पूरा दे दिया तो बी से 50 मांग पाएगा। इन द अबोव केसेस देयर वे नो म्यूचुअल एग्रीमेंट, यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगा तभी भी
आप कंपेंसेशन मांग पाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये सब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए इन्फोर्स हो पाएंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द वेगरिंग एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपने अगले चैप्टर में वेगरिंग देखा था। व्हाट इज वेगरिंग? इफ रेन विल फॉल आई विल पे, दैट इज वेगरिंग। रेन होना वो मेन इवेंट है, मेन इवेंट अगर होगा तो विन और लॉस होगा। प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट की वजह से मनी और मनी वर्थ पे कर रहे हैं, दैट इज अ वेगरी। कंटीजेंट, फायर अकर्ड होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। डू और नॉट टू डू समथिंग बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट, दैट इज अ कंटीजेंट। यहां पे एक ही इवेंट है, रेन विल फॉल। कंटीजेंट में फायर अकर्ड ओनली कोलेटरल है, उसके अलावा भी प्रीमियम तो है, प्रीमियम पे करना है। कोलेटरल इवेंट आपको पे करना है, इन्फोर्स करना है। फायर अकर्ड नहीं होगा तो भी, फायर अकर्ड नहीं होगा तो भी आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वेगरिंग कंटीजेंट है, लेकिन कंटीजेंट वेगरिंग नहीं है। वेगरिंग वॉइड है और कंटीजेंट है वो वैलिड है। याद रखो, वेगरिंग या कंटीजेंट डिसाइड कैसे होगा? वेगरिंग में अपना इंटरेस्ट नहीं है और वेगरिंग में अपना कंट्रोल नहीं है। वेगरिंग में इंटरेस्ट एंड कंट्रोल दोनों नहीं है। रेन विल फॉल, मैं फार्मर नहीं हूं, मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं तो सदस्य जीतूंगा वही फायदा है। सचिन विल अचीव द सेंचुरी, देन आई विल पे टू एक्स, अदरवाइज एक्स विल पे टू मी। सचिन सेंचुरी करेगा उसमें मुझे डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, उसको मर्सिडीज मिलेगी, अपने फैमिली को घुमाएगा, मुझे नहीं, कंट्रोल भी मेरा नहीं है। सचिन सेंचुरी करेगा तो मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ फायर रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट मेरा है, मेरा ऑफिस जल जाएगा, मेरा ही कंट्रोल है। मैं रोज शाम को ये सब इलेक्ट्रिक स्विच चालू रख के जाता हूं, रात को मैं दीप प्रकटन करके चला जाता हूं, और बहुत सारे चूहे भी हैं। कंट्रोल भी मेरा है, इंटरेस्ट भी मेरा है। फ्रेंड्स, कंटीजेंट में इंटरेस्ट एंड कंट्रोल दोनों मेरा है, लेकिन वेगरिंग में कंट्रोल भी मेरा नहीं, इंटरेस्ट भी मेरा नहीं, ओनली विन एंड लॉस, वही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के 24 लेक्चर्स खत्म करते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस में कहीं पे भी बीच में जंप लगा के बैठ जाते हो, लेकिन फिजिकल क्लासेस में फर्स्ट लेक्चर से बैठना पड़ता है। आपको फिजिकल क्लासेस में फर्स्ट लेक्चर में बैठते तो ही समझ में आता है, तो ऑनलाइन में आप फर्स्ट लेक्चर से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, आपका एक्सपेक्टेशन तभी आप सेटिस्फाइड कर पाओगे। तो प्लीज लिसन फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, इट इज द 24th लेक्चर, फर्स्ट से 24th लेक्चर सुनो, 5-6 घंटे लगेंगे, पूरा कॉन्टेक्ट क्लियर हो जाएगा, एंड आउट ऑफ 20 मार्क्स यू विल अचीव एटलीस्ट 15 मार्क्स। लगे रहिए हमारे साथ, 9 to 11 ऑनलाइन लेक्चर आपको मिलते हैं यूट्यूब पे, एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मैं यूट्यूब पे देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर इमीडिएटली शूट करते रहेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग ईच टॉपिक मिलता रहेगा, मेरे साथ बने रहिए एंड अचीव योर गोल ऑफ बीइंग द सीए। थैंक यू वेरी मच।